ऑनलाइन गेम में 62,000 रुपए हार जाने के बाद एक फाइनेंस कर्मी ने अपने साथ लूट की झूठी कहानी बना दी। पुलिस को दी रिपोर्ट में उसने बाइक सवार 3 बदमाशों पर लूट का आरोप लगा दिया। पुलिस ने जांच की तो झूठ का भंडाफोड़ हुआ। मामला डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाने के CI भगवान मेघवाल ने बताया कि बांसवाड़ा निवासी एक फाइनेंस कंपनी के कार्मिक बादर कटारा ने थाने में आकर एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह सहायता समूह से 62,000 की राशि लेकर बाइक पर जा रहा था। इस दौरान शहर के प्रताप सर्किल पर उसे 2 लड़के मिले। दोनों लड़कों ने अर्जेंट बांसवाड़ा जाने का कहकर उनसे लिफ्ट ली। इस दौरान कुछ दूरी पर उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिस पर दोनों लड़कों ने अपने एक दोस्त से पेट्रोल मंगवाया। वहीं तीसरे लड़के के आने के बाद तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसके जेब में रखे 62,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट देने वाले बादर कटारा से पूछताछ की तो वह बदल दल कर घटना के बारे में बता रहा था, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने लूट की झूठी कहानी बनाना कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह ऑनलाइन गेम में एकत्रित की गई 62,000 की राशि हार गया था, जिसके चलते उसने लूट की झूठी साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।